हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ स्टेप बाय स्टेप स्टडी। गाइस, कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कैलेंडर। जैसे कि आपको पता है कि इस टॉपिक में से आपके हर एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो सीपीओ, सब में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आपके बैंकिंग पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं आपके, तो इसलिए आज हम इस टॉपिक को करेंगे पूरा डिटेल में। मैं आपको बताऊँगी स्टार्टिंग से कि नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, ताकि जो बच्चे बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट से नए हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं इसका कॉन्सेप्ट पता, उनको भी पता चल जाए, और जो पुराने बच्चे जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया है इसके बारे में, वो अपने क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, एक अपनी नॉलेज को ब्रश अप कर लें। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कैलेंडर जबकि आपका होता है तो उसमें एक नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है, ठीक है। अब ये नॉर्मल ईयर क्या है और ये लीप ईयर क्या है? गाइस, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बचपन में कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं साल में, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल ईयर कौन सा है और लीप ईयर कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि लीप ईयर की पहचान क्या होती है। If last two digits of a year is completely divisible by 4, then it is a leap year. ठीक है, when last two digits, जिसको लिखना है वो लिख लो, जो सुनना चाहता है वो सुन लो, ठीक है। When last two digits of a year is divisible by 4, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीप ईयर। अब ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है? लीप, अब आपने देखा होगा जो एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है, इसमें आपके 365 डेज होते हैं, और जो लीप ईयर है उसमें आपके कितने टोटल 366 डेज होते हैं, ठीक है। अब ये 366 डेज और 365 डेज, ये कौन से महीने में जो है दिन बढ़ते हैं और किस महीने में ये कम हो जाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो 366 डेज हैं गाइस, ये कैसे होते हैं इसमें लीप ईयर में? एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आ जाता है नॉर्मल ईयर से ज़्यादा? वो आता है आपका 29th February, ठीक है। आपने देखा होगा जो फेब्रवरी होती है यूजुअली उसमें 28 डेज होते हैं, ठीक है, लेकिन लीप ईयर में जो है वो होते हैं 366 डेज, और जो 29th February में एक दिन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा 366 डेज बन जाते हैं लीप ईयर में, ठीक है। तो लीप ईयर को पहचानने का यही एक तरीका है, जो लास्ट की दो डिजिट्स होती हैं गाइस, उनको कम्प्लीटली डिविजिबल बाय होना चाहिए 4 से, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई भी ईयर पूछा जाए लाइक 1986, क्या ये लीप ईयर है या नहीं है? अब ये जो लास्ट टू डिजिट्स हैं गाइस, इनको कम्प्लीटली डिविजिबल बाय होना चाहिए 4 पे, लेकिन आप क्या देखते हैं ये पूरा डिविजिबल नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लीप ईयर नहीं है। सिमिलरली हम एक क्वेश्चन लेते हैं 1928, ठीक है। अब ये लीप ईयर है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? आप लास्ट की दो डिजिट्स जो हैं आपकी, लास्ट की दो डिजिट्स कौन सी है? 28 क्या 4 से डिविजिबल है? ये देख लीजिए, 4, 7, 4, 28, तो हाँ ये डिविजिबल है, तो पूरा कट रहा है ये, तो इसका मतलब है कि ये एक लीप ईयर है, ठीक है। इसी तरीके से आप लीप ईयर को पहचानेंगे कि लीप ईयर कौन सा है आपका और एक नॉर्मल ईयर कौन सा है। आई होप नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, और लीप ईयर में 366 डेज क्यों होते हैं, जो आपके फेब्रवरी में 29th Feb जो एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, उसकी वजह से 366 डेज बन जाते हैं लीप ईयर में, ओके। अब गाइस, इसमें और क्या आपका समझने वाला है लीप ईयर में? आपका लीप ईयर में फिलहाल इतना ही है, और यही नॉर्मल ईयर में है, ठीक है, और ये फेब्रवरी की वजह से आते हैं, और लीप ईयर जो है आपका ये आता है आपका 4 साल में 1 बार, ठीक है, 4 साल में लीप ईयर आता है। तो जिन लोगों का जो बर्थडे है 29th Feb को आता है, वो अपना नेक्स्ट बर्थडे 4 साल बाद ही बनाएंगे, क्योंकि फेब्रवरी में 29 डेज 4 साल बाद ही आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट लीप ईयर का और नॉर्मल ईयर का। तो गाइस, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिनका बर्थडे 29 फेब को है, उनका बर्थडे जो अगली बार पड़ेगा वो नेक्स्ट 4 साल बाद पड़ेगा। क्यों? क्योंकि
फेब्रुअरी 29th है, तो ये लीप ईयर में पड़ा होगा इनका बर्थडे, तो लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, तो फिर इस वजह से उनका 4 साल बाद पड़ेगा। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, इफ समवन्स बर्थडे फॉल्स ऑन 29th Feb 1896, व्हेन विल हिज नेक्स्ट बर्थडे फॉल। अगर किसी का जो जन्मदिवस है, जन्मदिन है, वो 29th February 1896 को पड़ता है, ठीक है, 1896 को वो पैदा हुआ है, तो नेक्स्ट बर्थडे उसका कब आएगा, या फिर ठीक है तो नेक्स्ट बर्थडे आएगा कब। सबसे पहली चीज़ तो 1896 है आपका, आपने क्या कर देना है कि आपको पहले चेक करना है कि ये एक तो लीप ईयर होगा, क्योंकि जब 29th February ही आ गया तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, 29th मतलब लीप ईयर है। अब क्या है, आपको 4 तो ऐड करना ही है, आपको पता ही है कि जो बर्थडे है, जो लीप ईयर आता है, वो 4 साल में एक बार आता है, तो जो 29th February वाला ईयर होगा वो 4 साल बाद आएगा, आप इसको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा आपका 10, ठीक है 1900। अब गाइज इसमें क्या है, क्या इस ईयर में आपका बर्थडे फॉल करेगा या नहीं, अब ये है आपका सेंचुरी ईयर, ठीक है सेंचुरी ईयर। अब आप कहेंगे सेंचुरी ईयर क्या होता है, तो सेंचुरी ईयर वो ईयर होते हैं जिनके लास्ट में 00 आता है, ठीक है, When two zeros come at the end, then it is called a century year. जब 2 जीरो लास्ट में आ जाए तो उसको ही बोलते हैं सेंचुरी ईयर। तो गाइज अब ये सेंचुरी ईयर हो गया, ठीक है, अब ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें ऐसे पता चलेगा अगर कोई भी सेंचुरी जो है वो 400 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 1900, ठीक है 1900 की सेंचुरी है, तो अगर ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड होगी तो ही ये लीप ईयर वाली सेंचुरी मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब आप देख लीजिए क्या ये 400 से पूरा डिवाइड होता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कैसे डिवाइड करेंगे इसको, 4 5 4 4 16 पे जाएगा ये, ठीक है 1600, क्योंकि 4 5 20 होता है, तो ये देख लीजिए ये पूरा पूरा आपका डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि ये 400 से ये वाली जो सेंचुरी है ये डिवाइड नहीं हो रही, तो ये एक लीप ईयर वाली सेंचुरी नहीं है। तो अब जब ये लीप ईयर वाली सेंचुरी ही नहीं है तो इसका मतलब कि इसमें फेब्रवरी में 28 डेज होंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वापस 4 साल ऐड कर देंगे, तभी आपकी एक लीप ईयर की सेंचुरी आएगी, फिर आपका ऐड करने से 1904। क्या अब ये लीप ईयर की सेंचुरी है, क्या ये अब सेंचुरी तो नहीं, क्या ये अब ये लीप ईयर है 1904। अब ये हमने क्या चेक करने का आपको बताया था कि जो लास्ट की 2 डिजिट्स होती हैं वो 4 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, तो हाँ ये 4 से पूरी पूरी डिवाइड है, तो ये लीप ईयर होगा, ठीक है। तो जिसका भी जन्मदिन 29th February 1896 को फॉल किया था, अब वो नेक्स्ट बर्थडे कब सेलिब्रेट करेगा, वो नेक्स्ट बर्थडे आपका सेलिब्रेट करेगा 1904 में, ठीक है। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि लीप ईयर का, और लीप ईयर का कैसे चेक करते हैं, सेंचुरी ईयर क्या होते हैं। अब सेंचुरी ईयर वही होती है, जैसे सेंचुरी होती क्या है बेसिकली, जब लास्ट में 00 आता है किसी के भी, जैसे 1900, ठीक है 1800 1700, ये सारे जो है सेंचुरीज कहलाती हैं, जो लास्ट में 00 आता है इसी को सेंचुरी बोलते हैं। और सेंचुरी ईयर जो है, लीप ईयर है या नहीं है वो कैसे चेक करते हैं, अगर कोई भी सेंचुरी आपकी 400 से फुल पूरी डिविजिबल हो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं आपका लीप ईयर, ठीक है, वही वो सेंचुरी लीप ईयर होगी आपकी। चलो गाइज आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नीचे, थोड़े से और क्वेश्चंस देख लेते हैं, और इस चैप्टर में थोड़े से एक दो क्वेश्चंस लूंगी, तो मैं ये वीडियो को पार्ट 1 है, उसके बाद मैं आपको एक वीडियो और कराऊंगी, उसमें आपको बाकी के कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पता ही होने चाहिए आपको। तो अब हम इन पॉइंट्स पे नज़र डाल लेते हैं कि ये पॉइंट्स क्या हैं आपके। तो गाइस पहला पॉइंट आपका क्या कहता है, इन अ सेंचुरी ओनली दो सेंचुरी आर डिविजिबल आर लीप ईयर विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4,
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी सेंचुरी है अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय होती है, आई एम सॉरी, ये देख लीजिए यहाँ पर गलती हो गई है लिखने में कि वो सेंचुरी, ओनली दो सेंचुरीज आर लीप ईयर विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 400, फोर नहीं है ये 400 है, ओके okay? तो इसको अगर आप कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेना कि जो भी सेंचुरी 400 से पूरी डिवाइड होती है वही सेंचुरी लीप ईयर कहलाती है। अब गाइस, एक नंबर ऑफ ऑड डेज का कॉन्सेप्ट होता है आपके साल में, कि नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होते हैं। ये ऑड डेज वो होते हैं, दोज डेज विच डज नॉट मेक अ होल वीक आर कंसिडर्ड एज ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज का क्या है कॉन्सेप्ट, कि मान लो 365 ईयर का आपका एक साल होता है, ठीक है, 365 डेज होते हैं उसमें, इसमें कितने ऑड डेज हैं अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं इसमें, तो अगर जो भी आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो भी आपका बचेगा वो नंबर ऑफ ऑड डेज कहलाते हैं। कहने का मतलब है जो पूरा वीक नहीं बनाते जितने भी दिन, उन्हीं को हम ऑड डेज बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो अगर नॉर्मल ईयर का देखा जाए तो नंबर ऑफ ऑड डेज हैं आपके 1, वो कैसे, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 7 से, कैसे करने का, ये 7 5 35, ठीक है, 7 2 14, तो इसमें बचा एक दिन। कहने का मतलब है 7 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको पता है 7 डेज का एक वीक होता है। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है कि जो वीक ना बनाए पूरे पूरे, उसी को ऑड डेज बोलते हैं। अब 365 में से 364 जब 7 से हमने डिवाइड करा तो 52 पे गया, ये 52 वीक्स तो बन ही गए पूरे पूरे, लेकिन एक दिन बचा है आपका, इसी को ऑड डे बोलेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली एक नॉर्मल ईयर में जो है, जो हमने बोला नॉर्मल ईयर मतलब 365 डेज वाले में, नंबर ऑफ ऑड डेज इज 1। ठीक है, अब आता है आपका लीप ईयर, लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 2 हो जाते हैं। अब ये 2 क्यों होंगे, ये आपको पता ही है, 366 इसमें डेज होते हैं आपके 29 फरवरी की वजह से। तो अब जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो पूरे पूरे वीक्स कितने बनाएगा ये, तो पूरे वीक्स बनाएगा ये 7 5 35, ठीक है, 1 ये 6, अब ये कटेगा 7 2 14, 52 वीक्स ये बनाएगा पूरे, और 2 डेज इसमें बचेंगे, तो इसको बोलेंगे ऑड डेज। ठीक है, एक नॉर्मल ईयर में जो ऑड डेज होते हैं वो 1 होते हैं, और एक लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं वो होते हैं 2। गाइस, आपको ये ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आई होप। ठीक है, अब एक नॉर्मल ईयर में जो 1 जनवरी है और 31 दिसंबर है, वो आपका सेम डेज होंगे। ठीक है, अब ये क्यों होंगे ये मैं आपको बता दूं। अब आप लगा लो एक 7 दिन का वीक है, ठीक है, 7 डेज का वीक होता ही है, लगा क्या लो 7 डेज का वीक है आपका, तो आपका संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ओके। तो मान लो इसमें क्या है आपका, अगर इस दिन आपका मंडे, फॉर एग्जांपल आपका संडे को, एक तारीख को आपका संडे पड़ रहा है, ठीक है, 2 3 4 5 6, तो 7 तारीख का आपका सैटरडे पड़ेगा, ओके। तो इससे क्या है आपका, तो 8 तारीख होगा ये जो वापस संडे पड़ेगा, ये कब पड़ेगा आपका 8 तारीख को, तो ये आपका पूरा वीक बना देता है। ठीक है, वीक के बाद जो 8वां दिन है आपका, उसको संडे पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, जब आप इसको डिवाइड करते हैं, 365 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो एक दिन बचता है। तो कहने का मतलब है, अगर आपका ये मतलब अगर पहले मंडे है तो ये जो लास्ट का दिन आएगा वो भी मंडे ही होगा, क्योंकि एक दिन बचेगा तो उस पे भी मंडे होगा। ठीक है, क्योंकि वीक तो आपका कंप्लीट हो गया, जब वीक कंप्लीट हो गया तो इस, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, जब इसका वीक कंप्लीट हो गया लास्ट में एक दिन बचेगा, तो उस दिन के बाद से वो शुरू हो जाएगा नेक्स्ट डे। ठीक है, तो 31 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम दिन होंगे। अब आपका आता है लीप ईयर, लीप ईयर में क्या है, आपको बताया था मैंने 2 एक्स्ट्रा ऑड डेज बचते हैं, जिसकी वजह से जो 1 जनवरी है और 31 दिसंबर है उसमें सक्सेसिव डेज पड़ेंगे,
फॉर एग्जाम्पल अगर 1 जनवरी को लीप ईयर में आपका मंडे है, ठीक है, इसमें अगर 1 को आपका मंडे है तो 31 को आपका पड़ेगा ट्यूजडे, ओके। तो इस तरीके से आपको ये चेक करना है और ये आप रट लीजिए, मेरे ख्याल से तो जिनको समझ नहीं आया अभी भी वो इस पॉइंट को रट लीजिए कि कैसे कैसे क्या और डेज बनेंगे और कैसे ये कॉन्सेप्ट आएगा। बेसिकली आप इसको रट ही लो, ठीक है। नॉर्मल डे ईयर में जो है आपके 365 डेज होते हैं और एक और डे होता है, लीप ईयर में आपका 366, दो और डेज होंगे, मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। एक नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को दोनों सेम दिन कैसे होंगे वो मैंने आपको यहाँ से बताया है। लीप ईयर में जो 29 फरवरी की वजह से एक दिन बढ़ता है उसकी वजह से आपका यहाँ पर सक्सेसिव डेज आ जाते हैं, ठीक है। तो गाइस इसमें इतना ही था समझने के लिए। तो अब हमने ये कर लिया है, अब हम आगे जाके क्या करेंगे कि एक मैं आपको इसमें एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। अगर आपका 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे पड़ रहा है, ठीक है, मान लो 1 जनवरी 2016 को आपका पड़ रहा है फ्राइडे, पहली चीज तो ये चेक करो क्या ये लीप ईयर है, ठीक है। अगर आपको लीप ईयर चेक करना है तो मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट की जो ये डिजिट्स हैं 2 या 4 से डिवाइड होनी चाहिए पूरी, हाँ ये एक लीप ईयर है। तो इसमें क्या मैंने आपको बताया था, जो 31 दिसंबर होगा, है ना, 31 दिसंबर 2016, इसको क्या पड़ेगा आपका सक्सेसिव, मतलब सैटरडे। जो नॉर्मल ईयर था उसमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम दिन पड़ रहे थे, लेकिन जो लीप ईयर हो गया अभी है तो इसमें 1 जनवरी को पड़ेगा 1 जनवरी 2016 को पड़ेगा आपका फ्राइडे और 31 दिसंबर को पड़ जाएगा सैटरडे, जिसकी वजह से 1 जनवरी 2017 को आपका क्या पड़ेगा संडे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे बाद में कभी पूछा जाता है, और मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगी भी, कि इस तरीके से आपको डेट दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में इस डेट को क्या पड़ेगा, तो उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो डिफरेंस आता है दिन का, ये आता है आपका फेब्ररी की वजह से, जो फेब्ररी में 29 डेज होते हैं उसकी वजह से ये जो डिफरेंस है वो आ जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बाकी मैं एक आधा और क्वेश्चन आपकी वो ले लेती हूँ इसमें, ताकि आपको और फंडा जो है आपका क्लियर हो जाए। अब हम ले लेते हैं एक नॉन लीप ईयर का, एक नॉर्मल डे का, ठीक है। मान लो 1 जनवरी 2007 को आपका संडे पड़ता है, ये एक नॉर्मल ईयर है, आपने देख लिया होगा लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होती, तो 31 जनवरी 2007 को भी पड़ेगा आपका संडे, ठीक है। इसकी वजह से अगर 1 जनवरी 2008, ठीक है, 1 जनवरी 2008 को आपका पड़ेगा मंडे, नेक्स्ट डे ही होता है 1 जन, तो ये पड़ेगा मंडे आपका, ठीक है। अब आपने क्या देखा, 08 है तो मतलब ये लीप ईयर है, तो इस वजह से 31 दिसंबर 2008 को आपका पड़ेगा ट्यूजडे, ठीक है। एक दिन का गैप आएगा फेब्रवरी की वजह से, तो आपका ये पड़ जाएगा ट्यूजडे। इसकी वजह से 1 जनवरी 2009 को आपका पड़ेगा वेडनेसडे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है ये डेज कैसे कैसे हमारे बढ़ रहे हैं। और 2009 आ गया, ठीक है, तो मतलब ये लीप ईयर नहीं है, तो 31 दिसंबर 2009 को आपका सेम डे पड़ेगा जो कि है आपका वेडनेसडे। आई होप इस वाले फंडे में आपको पूरी चीज़ समझ आ गई होगी कि कैसे डेज ऐड होते हैं, कैसे लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है और कैसे नॉर्मल ईयर में सेम रहता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, आपको क्या पढ़ना है गाइस। सबसे पहली चीज़, जब हम करते हैं एक ईयर में एक तो लीप ईयर होता है और एक होता है आपका नॉर्मल ईयर, ठीक है।
तो आपको ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप ये जो नंबर्स हैं आप इनको लिख लीजिए, ठीक है। नॉर्मल ईयर में 1440-250-36146, ये बेसिकली आपके जो डेज होते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और जो आपके मंथ होते हैं बेसिकली मंथ के कोड हैं ये, ठीक है। पहली चीज़ तो आप इनको कॉपीज में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं तो आपको पता चले कि ये कोड कहाँ यूज करने हैं। तो नॉर्मल ईयर का जो कोड है ये है 1440-250-36146, ठीक है। 1442 का स्क्वायर है आपका, फिर आपका जीरो, फिर ये 5 का स्क्वायर, 0, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 1, 4, 6 आगे। आप इसको इसको नोट कर लीजिए आप कहीं अपनी नोटबुक में, ताकि आगे हमारा क्वेश्चन करने में इजी रहे, ठीक है। 6, तो ये अगर आपको लर्न करना है तो वो आप ऐसे करेंगे, 12 का स्क्वायर, ठीक है, 0, फिर 5 का स्क्वायर, 0, ठीक है, 6 का स्क्वायर, और उसके बाद में जो 146 है ये है आपका 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो ये आप लिख लीजिए, ये है आपका नॉर्मल ईयर का कोड, ठीक है। और ये है आपका लीप ईयर का कोड। इस लीप ईयर का कोड और नॉर्मल ईयर का कोड ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ आपको आगे की जो 2 डिजिट्स हैं उसमें आपको चेंज मिलेगा। यहाँ पर 14 है और यहाँ पर है 03। तो आप इसको अभी की अभी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये कोड ही आगे यूज़ करेंगे हम, सारे क्वेश्चंस जितने भी अपने करेंगे उसमें यही कोड यूज़ होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। लीप ईयर का कोड देख लीजिए, यही है 03-40-250-36146। और कोड को रटना कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर, और फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2। इस तरीके से आप इस कोड को रटेंगे, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा। और जिसको दोबारा अगर आप मेरी वीडियो को पॉज करके या फिर फॉरवर्ड करके, ठीक है, एक बार रिप्ले कर लीजिए और उसके बाद दोबारा ये कोड देख लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। अब गाइज ये कोड किसके लिए है, मैंने आपको बताया था ये कोड जो है ये आपके मंथ के लिए है, ठीक है। अगर आपका, हम पहले नॉर्मल ईयर का लेते हैं, 1440-250-36146, तो ये क्या है आपका, आप शुरू करेंगे जनवरी से, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो ये आपका 1 है, ये है आपका जनवरी के लिए, ठीक है। 4 फेब्रुअरी, ये वाला 4 है आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिस इज दिसंबर। तो आप ये लिख लीजिए, ये आप कोडिंग कैसे करेंगे मंथ की, ये मंथ की इस तरीके से कोडिंग होगी। 1 stands for January, 4 stands for February, 4 March, और इसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में आप सारे के सारे जो है मंथ्स लिख दीजिए, ठीक है। ये 12 डिजिट्स हैं इसमें और 12 मंथ्स को ये डिनोट करती है, ठीक है। सिमिलरली नीचे लीप ईयर वाले में भी यही सेम चीज है, 0 for January, 3 for February, 4 March, 0 April, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कहीं कि ये कोड, ठीक है, कैसे कैसे यूज होंगे वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी, लेकिन इसी कोड के ऊपर आपके आगे के क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोटेड डाउन, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इसको जरूर नोट कीजिए। इसी कोड पे हम क्वेश्चंस करेंगे और यही आपकी शॉर्ट ट्रिक है इन क्वेश्चंस को करने की, ठीक है। तो अभी हमने, मैं आपको ये वीडियो में पार्ट 1 प्रोवाइड कर रही हूँ, फिर मैं आपको पार्ट 2 प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, ताकि आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को समझें और अच्छे से करें और आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। एंड ट्रस्ट मी, एक बार आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा आगे, ठीक है। मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ,
और अब अपना एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं हम इसमें, ठीक है? अब हम इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, विच डे विल फॉल ऑन 26 जनवरी 1950? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ा होगा? तो हम ये कैसे चेक करेंगे, हमने ऊपर कोड्स आपके देख ली थी, ठीक है, देखे थे तो आपने लिख लिए होंगे वो नोटबुक में। अब हम उसको कोड को अप्लाई करते हैं कि हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा दिन फॉल किया होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये लिख लीजिए, जब भी आप लिखते हैं पहली चीज़ तो पहले जिसको प्रैक्टिस हो जाती है उसको ज़रूरत नहीं है लिखने की इतना, लेकिन जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चंस को करते हैं उनको लिखना पड़ेगा, ठीक है, वरना गलती के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ लिख लीजिए आप 26 जनवरी 1950। अब जब हमें इसमें निकालना होता है कि कौन सा दिन पड़ा था, कौन सा डे पड़ा था, तो आपने क्या करना है, ये 26 का उठा के यहाँ लिख देना है 26, ठीक है। अब हमने ऊपर क्या किया था, सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो वो कैसे पता चल जाएगा आपको, लास्ट की दो डिजिट जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। फिर भी मैं एक बार करके भी बता देती हूँ आपको, तो ये करो 4 से डिवाइड, 4 1 4 1 0 4 2 8। आपने क्या देखा, ये पूरा पूरा नहीं कटा, मतलब ये एक लीप ईयर नहीं है, ये एक नॉर्मल ईयर है। तो हमने जब आगे कोड्स करे थे तो उसमें जनवरी का आप कोड देखना क्या था, जनवरी का कोड आपको दिखा होगा, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ। एक नॉर्मल ईयर का क्या होता है, 1 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ठीक है। अब जनवरी का जो कोड था ये था 1, तो हम इस कोड को उठा के ले आएंगे यहाँ पर और यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। ये था आपका जनवरी का कोड, तो 26 को हमने लिख दिया यहाँ पर, जनवरी के कोड जो था ये 1, इसको उठा के लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो ईयर की आपकी लास्ट की दो डिजिट्स हैं उनको आपको लिख देना है यहाँ पर 50, ठीक है। अब मैं क्या यहाँ पर कर रही हूँ आपके लिए, एक बार यहाँ 1 और इधर 1, ताकि आपको समझ आ जाए कौन सी चीज कहाँ से उठ के आई है। ये 2, ये जो कोड है आपका ये 2, ये देख लीजिए मैंने यहाँ, और प्लीज कंफ्यूज मत होना कि 1 2 क्या है, ये 2 लिख दिया मैंने। यहाँ से मैं आपका थर्ड पॉइंट, थर्ड चीज उठाऊंगी, यहाँ मैंने लिख दिया थर्ड, ये आपके लिए ही लिखा है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। यहाँ से आपने 50 उठा के रखा। अब आपको क्या करना है गाइस, ये जो 50 है इसको आपको देखना है कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है और पूरा पूरा कितना डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये 50 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 1 4, ये आपका 1 0, 4 2 8, ठीक है। अब ये मत देखो कि इसमें क्या रिमाइंडर आया, आपको सिर्फ देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है, मतलब पूरा पूरा जो है वो 4 से कितने पे डिवाइड हुआ, ये 12 से, ठीक है, 12 आया है आपको क्वेश्चन पे। तो आपको क्या करना है, सिंपल से ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको उठा के ले जाना है नीचे और यहाँ आपको लिख लेना है 12। और ये मैटर नहीं करता कि 4 से पूरा पूरा कट रहा है नहीं कट रहा, जरूरी नहीं है रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर कुछ भी बचे, आपको सिर्फ 4 से डिवाइड करके इस ईयर के लास्ट की दो डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके लिख लेना है, ठीक है, क्वेश्चन को। अब आपने क्या करना है गाइस, इन सब को ऐड कर देना है, ठीक है। अब इन सब को ऐड करके आपको क्या मिलेगा, 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ आपको मिला 9, यहाँ आपने देख लिए 2 5 6 7 8, ठीक है, 89 आपको टोटल मिल गया ऐड करके। अब क्या कहानी यहाँ खत्म होती है, अब आपको कैसे पता चलेगा, हमने ऐड भी कर लिया सब कुछ, अब हमें दिन कैसे पता चलेगा, डे कैसे पता चलेगा इसमें। तो अब आपने क्या करना है, ये है आपका लास्ट स्टेप इसमें फाइंड करने के लिए। अब ये जो 89 आया है आपको इसको कर देना है 7 से डिवाइड, ठीक है, 89 को करो 7 से डिवाइड, 7 1 7 1 7 2 14, ठीक है।
अब देख लीजिए कितना आया आपका, कितना बच के, ये आपके आपका 5। ठीक है, अब ये जो 5 आ गया आपका, अब कैसे पता चलेगा अब दिन कौन सा है। अब गाइस ये एक दूसरी चीज है इसमें इम्पोर्टेंट लिखने वाली, आप एक नोटबुक में लिख लीजिए ये कोड्स हैं आपके डेज के। ठीक है, वो जो मैंने पहले कोड्स कराए थे वो थे आपके मंथ के, और ये हैं आपके डेज के। 01 संडे, 02 मंडे, 03 ट्यूसडे, 04 वेडनेसडे, 05 थर्सडे, 06 फ्राइडे और 00 सैटरडे। ये ध्यान रखना है आपको, 1 से आपको शुरू करना है, 6 तक लेके जाना है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और 7 तक नहीं लिखना, ये 00 है सैटरडे का कोड। गलती से भी ये गलत मत कर देना कि 07 करके आप सैटरडे लिखा है, नहीं, आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 पे आपको हमेशा जो 7 मतलब सैटरडे की जो पोजीशन है उस पे आपको 0 कोड लेना है। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि आपका लास्ट में जो रिमाइंडर बचा ये सब करने के बाद वो बचा 5। अब इसमें आपने चेक कर लेना है 5 पे कौन सा डे लिखा हुआ है। 5 पे आपका डे लिखा है थर्सडे, तो आपका जो 26 जनवरी 1950 को पड़ा होगा आपका थर्सडे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ एक बार दोबारा रिवाइंड कीजिए और इस वीडियो को फिर से देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। अब ये आपका आ जाएगा थर्सडे। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये है आपका 16 दिसंबर 1971। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका फंडा जो है क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपने ये देख लिया क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, अब आप कॉपी पेन उठाइए और इस क्वेश्चन को खुद कीजिए। ठीक है, पॉज करिएगा मेरी वीडियो को, पहले खुद कीजिएगा, देखिएगा कि आपको समझ आया कितना आया, और फिर दोबारा अगर नहीं आया तो दोबारा कीजिए, और अगर आ गया तो अपना आंसर चेक कीजिए मेरे साथ। ठीक है, अब हमने लेना है 16 दिसंबर 1971। तो मैंने आपको क्या बताया था, 16 का 16 लिख दिया हमने, ठीक है, उठा के। अब दिसंबर, दिसंबर का कोड कितना था, सबसे पहले तो ये चेक कर लो 1971 क्या ये लीप ईयर है या ये एक नॉर्मल ईयर है। 71 को आप डिवाइड कर लो 4 से, तो आपने देखा कि ये एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है, अब दिसंबर के लिए आपने कोड देखा होगा नॉर्मल ईयर में, तो दिसंबर का कोड जो है आपका वो है आपका 6। ठीक है, दोबारा लिख दूं मैं नॉर्मल ईयर का कोड, 1440250361 46। ठीक है, अब देख लीजिए ये है दिसंबर का कोड आपका जो कि है 6, तो हमने ये 6 उठा के रख दिया यहाँ पर। अब हमने मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जो अपना ईयर है फिर लिखनी है उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स क्या है इसमें, 71, हमने यहाँ से उठा के लिख दिया 71। फिर मैंने आपको क्या बताया था, आपको इस 71 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो हम यहाँ पर 71 को डिवाइड करते हैं 4 से और देखते हैं पूरा पूरा कितनी बार करता है। तो ये आपका आया 4 4 1 4, यहाँ पर आया आपका 3, ठीक है, और यहाँ आपका आया 1, यहाँ पर आ गया आपका 7 4 28। तो ये हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हमें बेसिकली क्वेश्चन से मतलब है। तो ये आपका 17 से पूरा पूरा 17 का वो होगा, तो हाँ आप यहाँ पर लिख देंगे 17। फिर मैंने आपको क्या बताया था, आपको इन सब डिजिट्स को ऐड कर लेना है, 7 8, और ये कितना हो गया 12। ठीक है, यहाँ 0 7 8 9 10 11, ठीक है, तो ये 110 आएगा आपका ऐड करके। अब जब ये 110 आया, इसके बाद आपने क्या करना है, इस 110 को आपको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, 110 को हम करेंगे 7 से डिवाइड, 110 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना रिमाइंडर आएगा वो देखेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको क्वेश्चन देखना था, क्वेश्चन लिखना था यहाँ पर, और इसको जो हम ऐड करके हमारा आएगा उसको करना है डिवाइड 7 से, और अब हम देखेंगे रिमाइंडर। तो ये देखो 7 1 7, ठीक है, ये आपका आया 4, ये नीचे कह रही कि आपने 0
डिवीजन तो सबको आती होगी जो ये वीडियो देख रहा है, और नहीं आती है तो भाई अपनी पुरानी बुक्स उठाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड की और देखो डिवीजन कैसे होती है। ठीक है, 7 5 आपका 35, 7 5 35, अब ये बचा 5। ठीक है, अब आपने क्या देखा, रिमाइंडर बच गया 5। अब मैंने क्या बोला था आपको, जो भी आपका यहाँ पर रिमाइंडर आए अब आपको यहाँ से चेक कर लेना है 5 को डे कौन सा है। तो आपने देख लिया 5th को थर्सडे है। ठीक है, तो ये आपका थर्सडे आया। ठीक है, तो 36 दिसंबर 1971 को आपका पड़ा था थर्सडे। अब गाइज इसमें यही था, आप इसी तरीके से क्वेश्चंस उठाइए और उसमें देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है, क्या आप कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे। ये यहाँ पर मैं क्वेश्चंस आपके कुछ लिख रही हूँ जो आपको चेक करने हैं। 21 फरवरी 1986 को कौन सा दिन पड़ा था, फिर आपको चेक करना है 7 अक्टूबर 2016। ये दोनों के चेक करके आप मुझे बताइएगा, नीचे वीडियो में आंसर लिखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आंसर क्या है। अब क्या करना है गाइस, ये मैंने आपको वीडियो का पार्ट वन, इसका कैलेंडर का पार्ट वन प्रोवाइड कर दिया है। पार्ट वन मैं कल लेके आऊंगी आपके लिए। फिर दूसरी चीज़, अब हमने इसमें देखा था कि ये ईयर से कैसे हम डेज निकाल लेंगे कि कौन सा दिन पड़ा था, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, आगे कैलेंडर में और भी कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं आपको और भी चीज़ें पढ़ाऊँगी। तो मेरी वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आए उसकी आपको अपडेट मिल जाए। तो प्लीज़ आगे की भी वीडियो देखना, उससे आपको और फंडे क्लियर होंगे, इसमें हम डिटेल में जाएंगे और उसके बाद मुझे नहीं लगता आपका एक भी क्वेश्चन गलत होएगा। ठीक है, मैं नहीं होने दूंगी उस क्वेश्चन को गलत, और आपका पेपर में हमेशा ही ये क्वेश्चन तो सही करके आओगे ही आओगे। ये कैलेंडर का कॉन्सेप्ट जो है ये बच्चों को बहुत डराता है और उनको समझ नहीं आता, बच्चे छोड़ आते हैं। तो ये आपको ऐसी ट्रिक बता दी है मैंने कि छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको सारे क्वेश्चन बाय हार्ट रट जाएंगे। ठीक है, तो गाइस चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहो मुस्कुराते रहो और मेहनत करते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।